अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं। और आज जो मैं आपके साथ इंटरेस्टिंग न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि दो बड़े फल्कियात इवेंट्स हो रहे हैं, यू नो, आज की तारीख में। आज की तारीख का मतलब है 26 मई को। तो जो पहला इवेंट है उसमें क्या किया जा रहा है, उसमें ये है कि पहला इवेंट सुपर मून का इवेंट है, जिसे सुपर फ्लावर ब्लड मून का नाम दिया गया है। और इसकी डिटेल यूँ है कि आम तौर पर चांद पर ज़मीन से जो है औसतन 2,40,000 मील की दूरी पर होता है, मगर अब जो है वो, क्योंकि चांद जो है वो गोल है, इसलिए इसका ज़मीन से फासला जो है कम ज़्यादा हमेशा होता रहता है। सो और इसका ज़मीन से फासला जो है वो 2,52,235 मील है। इसी तरह जो आज के दिन है, मतलब 26 मई, 6:21 पर चांद ज़मीन के करीब तरीन मकाम पर होगा, और इसका ज़मीन से जो फासला है वो 2,22,022 मील होगा। तो इसी तरह जो है दूसरा जो इवेंट है वो हम देखने जा रहे हैं, और इस इवेंट में जो चांद है वो बहुत बहुत ज़्यादा रोशन दिखाई देगा और बहुत जो है ना बिल्कुल फुल दिखाई देगा, ठीक है। 14%, मतलब 14% जो है ना वो चांद आपको वाज़ह तौर पर दिखाई देगा। और दूसरा इवेंट ये है कि चांद ग्रहण लगेगा, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। सो इसकी जितनी भी डिटेल्स है वो हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर शो करेंगे कि जो जो ममालिक में जो है वो चांद ग्रहण लग रहा है वो उनके मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, शुमाली अमरीका और अंटार्कटिका में नज़र आएगा। तो इसकी डिटेल जो जो टाइम है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दिलचस्प बात तो ये है, ऑस्ट्रेलिया और मशरक़ी एशिया के ममालिक में ये चांद ग्रहण 26 मई की रात के पहले पहर में दिखाई देगा। सो इसी के साथ हम अपने व्यूअर से इजाज़त चाहते हैं, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारी वीडियोस पे न्यू आ रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो देखने वाले हैं वो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से हमारी बहुत बहुत ज़्यादा हौसला अफज़ाई होती है, और आपके अच्छे अच्छे कमेंट की वजह से ताकि हम डेली न्यू व्लॉग्स आपके साथ अपलोड करते रहें। तो ओके, इसी के साथ हम चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।